दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र पटेल। बात करते हैं अखिलेश यादव के कारनामों की। अमिताभ बच्चन को लगी चोट तो अखिलेश यादव ने जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर दी। नेताजी का जिक्र करते हुए यूजर्स ने बहुत सारी चीजें बोली और लिखा भी कि वाकई आप बड़े दिल वाले हो। बहुत सराहना हो रही अखिलेश यादव की इस ट्वीट पर, क्योंकि अमिताभ बच्चन, नेताजी मुलायम सिंह यादव एक मित्र थे, बहुत सारे जो कि खराब परिस्थितियों में मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ बच्चन जी का साथ दिया था। उनके नाम से स्कूल तक सैफई में बनवाया, लेकिन जब नेताजी बीमार थे तो अमिताभ बच्चन ने कुछ भी एक ट्वीट करके भी उनके लिए कामना नहीं की, और जब उनका देहांत हो गया तो उनको देखने तक नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी चीज है अखिलेश यादव की, इसलिए लोग सराहना कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लोग, आपको बताता चलूं कि बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन के चोटिल होने की जानकारी सामने आने के बाद तमाम लोग ये उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अमिताभ बच्चन को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि बिग बी हैदराबाद में फिल्म प्रोजेक्ट के शूटिंग कर रहे थे, इसी दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। एक एक्शन सीन के दौरान उनकी पसलियों में चोट आई है। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने अमिताभ बच्चन के लिए ट्वीट कर लिखा कि अमिताभ बच्चन जी के शूटिंग के दौरान आई चोट से जल्द ठीक और शीघ्र स्वास्थ्य और लाभ व पुनः सक्रिय होने की कामना है, कामना करता हूँ। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया, लेकिन यूजर्स ने अखिलेश यादव को वो दिन याद दिलाई दिए जो अखिलेश यादव ने अपने दिल में दबा के रखे थे। अखिलेश यादव के ट्वीट पर हार्दिक नाम के एक यूजर लिखते हैं, यूजर ने लिखा कि जो नेताजी के अंतिम संस्कार में नहीं आए उनके लिए कामना करते हो अखिलेश जी, हद है। और इसके बाद एक यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनशील होने की आज स्थिति कुछ इस तरह। एक यूजर ने लिखा कि बड़ी जल्दी भूल गए आप, नेताजी के लिए एक भी ट्वीट नहीं किए थे अमिताभ बच्चन जी, यहाँ तक भी नहीं आए थे देहांत होने के बाद। एक विभू नाम के यूजर लिखते हैं कि नेताजी के लिए इन्हीं अमिताभ बच्चन ने एक भी ट्वीट नहीं किया था, जबकि वाकई में अमिताभ बच्चन को अमिताभ बनाने की मुख्य भूमिका नेताजी ने निभाई थी, परंतु आज आप भी उनके लिए कामनाएं कर रहे हैं, आप वाकई में बड़े दिल वाले हो। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि हैदराबाद में प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान एक्शन सीन शूट किया जा रहा था, पसली की कार्टिलेज टूट गई है और दाई पसली जो है कि केज की मांसपेशी में चोट आई, शूटिंग को रद्द कर दिया गया, पट्टी बांधी गई है और इसका इलाज हो रहा है। तो अखिलेश यादव के इस जो है कि ट्वीट को लेकर लोग सराहना कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये समाज जानना बहुत ज़रूरी है। मुलायम सिंह यादव पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता थे और अमिताभ बच्चन ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन जब दोस्ती हुई अमिताभ बच्चन के हर मुसीबत में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने साथ दिया, लेकिन जब भर्ती थे दिल्ली में मुलायम सिंह यादव तब भी ट्वीट नहीं किए, देहांत होने के बाद आए भी नहीं अमिताभ बच्चन जी नेताजी के साथ। नेताजी ने उनके नाम से अमिताभ बच्चन के नाम से इंटर कॉलेज बनवाया सैफई में, तमाम ऐसी चीज़ों में बहुत साथ दिए हैं। तो कौन सही कौन गलत, ये चीज़ें जो कि यूजर्स कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।